हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है, अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना ऑपोजिट पुलिस लाइन NH1 GT रोड पानीपत और कॉल करें 8950-6900-21। नमस्कार, आप ये तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल के बाहर की देख रहे हैं। कुछ जरूरी सूचनाएं जो इस टाइम हमें आपको देनी होती है, उसके लिए हम इस टाइम लाइव हुए हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर, क्योंकि सिविल अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि मकसद क्या है लाइव आने का। इस समय कोरोना का कहर आपको पता ही है कि लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे ही लॉकडाउन खुला है, उसके बाद से ही कोरोना के केस जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 14 केस के आपको हिस्ट्री बताई थी, 14 केस एकदम आए थे। तो आज की जो हिस्ट्री बताने वाले हैं, जो केस बताने वाले हैं, इससे पहले आप लोग लाइव हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग जो शेयर कर रहे हैं इसके लिए जागरूकता लोगों में फैलती है। और जो हम आपको हिस्ट्री बताते हैं, जो आपको केसों के बारे में बताते हैं, वो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों तक पहुँचता है, तो आप लोग सतर्क होते हैं। लेकिन बार बार जैसे हम लोग अपील कर रहे हैं, प्रशासन अपील करता है, स्वास्थ्य प्रशासन अपील कर रहा है, सरकारें अपील कर रहे हैं, आप लोग उस पर खरा नहीं उतर रहे। अभी भी दिन की बात की जाए, बिना मास्क के लोग आप देखते हैं, आपके साथ में जो लोग जा रहे हैं वो बिना मास्क के। तो आपसे छोटी सी अपील ये आज हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके आसपास जो भी लोग जा रहे हैं, उनको कम से कम आप ये कहिए कि आप मास्क जो है मुंह पर कम से कम पहन कर रखिए। सैनिटाइज़र आपने प्रयोग करना है तो वो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आपके हितों के बारे में ये सब कुछ है। आप मास्क का प्रयोग करेंगे तो कम से कम जो ये बीमारी है कम से कम फैलेगी। हालांकि अभी कोई भी टैबलेट, कोई भी दवाई इस मामले में सामने नहीं आई, तो अभी एहतियातन जो है आपको यही करना है, सिर्फ मास्क जो है पहन कर रखना है, क्योंकि मास्क आप पहन करेंगे कम से कम आप और अपने परिवारों का जो है बचाव कर सकते हैं। तो अभी आप लोग लाइव हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आज की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, अभी जो मेरे हाथ में आप पेज देख रहे हैं उसमें 13 केस जो हैं, 13 केस एकदम कोरोना के पॉजिटिव सामने आए हैं अभी तक की सूचना है। अभी 5:30 बजे का समय हुआ है जो हमारे पास लिस्ट आई है, अभी शाम को और लिस्ट आना बाकी है। 13 केस जो हैं अभी तक वॉइस ऑफ पानीपत के पास लिस्ट है, उनकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। कुछ क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, कुछ दो बंदी हैं जो शिवा जेल में बंद थे, वो भी कॉन्टैक्ट में आए थे, उनको भी जो है कोरोना का जो वायरस हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। सिविल हॉस्पिटल के बाहर से हम लोग आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा है, लेकिन एहतियातन जो है सिर्फ आप लोगों की शिकायतें वॉइस ऑफ पानीपत के साथ यही होती हैं कि बाज़ार खुले हैं, आप लोग बाज़ारों में राउंड नहीं लगाते। किशनपुरा का बाज़ार खुला है, गोहाना रोड खुला है, सनोली रोड खुला है, उस पर जाकर आप नज़र रखिए। लेकिन हम लोग भी आपसे अपील करते हैं कि सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत का कैमरा देखकर आप लोग दुकानें ना बंद करें। आप लोगों की अपनी भी ड्यूटी बनती है कि आप जो समय निर्धारित है 6 बजे उस पर बंद कर दें, क्योंकि आप देखा देखी जो हैं दुकानें खोल रहे हैं, इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही हो रहा है, किसी और का नुकसान नहीं है। आप लोग वो इस कोरोना के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये जिसके परिवार में, जिसकी फैमिली में, जिसके आसपास में ये बीमारी फैलती है, सिर्फ उन्हीं परिवारों को पता है। अभी जो 7 मौतें हुई हैं, सिर्फ उन परिवारों को ही पता है कि कोरोना का दंश, कोरोना का कहर क्या होता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील की जाती है कि आप जरा मास्क का प्रयोग करें और शाम का जो निर्धारित समय है वो उस समय अपनी दुकानें बंद करें। और साथ ही साथ फेसबुक का जो पेज है जिसपे जरिए आप लोग लाइव देख रहे हैं, इस फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर लें, ताकि जो पल पल की रिपोर्ट है वो आपको दे दें। अभी आपको हिस्ट्री बता दें, एक 25 साल की महिला है, वो कॉन्टैक्ट में आई थी किसी के, उसको जो है कोरोना हुआ है। और 46 साल की महिला, ये मॉडल टाउन की है, जो 25 साल की है वो भी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की बताई जा रही है, हुड्डा में, और हुड्डा में रहते हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में वो कॉन्टैक्ट केस में आए थे। और एक 25 साल की महिला है, वो भी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की है, इनकी जो हिस्ट्री बताई जा रही है, दिल्ली की हिस्ट्री बताई जा रही है, दिल्ली से वो पानीपत आई थी। इसके साथ साथ ही 30 साल का व्यक्ति है, अशोक नगर का। आपको ये बता दें कि आप लोग बार बार ये पूछते हैं कि आप नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज करते हैं,
या उनके घर का पता क्यों नहीं बताते, क्योंकि जब शुरू में हम लोगों ने बताना शुरू किया था तो कहीं ना कहीं आप नफरत की नज़र से उस परिवारों को देखने शुरू हो गए थे। तो वैसे पानीपत अब ना तो नाम डिस्क्लोज करेगा ना उनकी जगह जो है उनका घर जो है वो डिस्क्लोज करेगा, क्योंकि ये दिन ब दिन ये केस देखने को मिलने आए थे। क्योंकि जब आप आसपास में उसके गुजर जाते हैं आपको पता लग जाएगा कि आपके पड़ोस में कोरोना का ये पीड़ित रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी नज़रें जो हैं गलत नज़रों से उसको देखा जाना शुरू हो गया था। इसलिए हम लोग ना तो उनका नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं, सिर्फ आपको जगह बता दें, जो उनके घर का एड्रेस भी नहीं बता देंगे। 30 साल का व्यक्ति है, अशोक नगर तहसील कैंप का, ये भी किसी के कॉन्टैक्ट में आया था, उसे भी कोरोना का जो वायरस है वो सामने आया है। इसके साथ साथ 25 साल का युवक है, कुटानी राजा खेड़ी नियर एनिमल अस्पताल है, वहाँ उसके आसपास का इलाके का है, ये 25 साल का युवक है। और एक 43 साल का शख्स है, ये सिवा जेल में बंद था, ये भी कॉन्टैक्ट केस है, किसी के कॉन्टैक्ट में आया था, क्योंकि दो केस पहले ही पानीपत जेल से सामने आ चुके हैं, तो उसी का ये कॉन्टैक्ट हो सकता है। और एक महावीर कॉलोनी का 40 साल का व्यक्ति है, उसे बुखार आया था तो उसने अपना कोरोना का टेस्ट जो है सिविल अस्पताल में कराया था, तो उसकी भी रिपोर्ट जो है आज दोपहर को आ गई है। इसके अलावा 25 साल का एक युवक है, जगन्नाथ बिहार कॉलोनी, 25 साल का है, ये अभी युवती है या युवत है, इसके बारे में जानकारी जो है सटीक जानकारी जो है, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें ये नहीं दर्शाया गया, लेकिन ये जरूर बताया गया कि जगन्नाथ बिहार का है। और एक 23 साल का एक और युवक है, वो भी जिला जेल में बंद था, जिला जेल से जो है दो केस सामने आए हैं। 70 साल के एक बुजुर्ग हैं, उनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है, इलाज के दौरान उनका कोरोना का टेस्ट लिया गया था तो वो पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा 26 साल के युवक हैं, ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल है, इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी दिल्ली बताई जा रही है। और लास्ट में जो दो केस हो रहे हैं टोटल, एक 34 साल के पुरुष है और 33 साल की महिला है, इनकी भी हिस्ट्री जो है दिल्ली से पानीपत की बताई जा रही है, और दोनों ये पति पत्नी है, इनका भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील बार बार वॉइस ऑफ पानीपत ये कर रहा है, क्योंकि ये बीमारी जो है दिन ब दिन फैलती जा रही है। आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं, लेकिन मजाक किसी हद तक मजाक होता है। दुकानें आप जो निर्धारित समय उस समय बंद करें, और आप लोग जो सफ़र भी कर रहे हैं उस दौरान भी अपने मास्क का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि मास्क बार बार सरकार इसलिए कह रही है क्योंकि थूक के जरिए जो है कोरोना ये ज़्यादा फैलता है। अगर किसी का आगे थूक जो है ऊपर आ जाए या कपड़ों के ऊपर आ जाए या छींक आ जाए तो उससे वो जो कोरोना का जो कहर है वो कोरोना का वायरस है वो जल्दी फैलता है। तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, और इस खबर को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर आदमी के पास ये जानकारी पहुँच सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप और नीरज पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। जी जी आई नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, अरमा है जितने भी सारे पूरे होने यही है। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat.
इंडिया टुडे एंड वर्ल्ड टुमारो। पूरे होंगे सारे सपने। पच्चीस सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में, साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सलोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।